आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नागराज बुदुमुरू के रूप में हुई है, जो कि पूर्ण रणजी क्रिकेटर रहा है। उस पर आरोप है कि उसने विभिन्न कंपनियों के सामने खुद को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का सहयोगी बताया और कंपनियों से क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर करने को कहा। इस तरह आरोपी नागराज ने मुख्यमंत्री और उनके पीए के नाम का सहारा लेकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी के खिलाफ 30 मामले भी दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते से तकरीबन 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस आरोपी ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर भी ठगी की हुई है। और हैरानी की बात यह है कि आरोपी साल 2014 से लेकर 2016 तक आंध्र प्रदेश रणजी टीम का हिस्सा रहा है। साथ ही आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा रहा और साल 2016 से लेकर 2018 तक इंडिया बी टीम में भी शामिल रहा। अब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जब उसका क्रिकेट करियर डूब गया तो उसने अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए ठगी का रास्ता अपना लिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।